हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी पब्लिक स्कूल जोगी ठेर में। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि कक्षा 10 के गणित का है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जिसे हिंदी में कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इसकी प्रश्नावली है 12.2। तो इस प्रश्नावली में जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, मीन्स जो क्वेश्चन रह गए हैं, आज उन्हें हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो बर्तन कैसा है? गोलाकार है और उसकी गर्दन है कैसी? बेलन के आकार की। मींस इस तरह का एक बर्तन है जिसकी गर्दन हो गई बेलन के आकार की, इस तरह से, और बर्तन हो गया गोलाकार। अब कहा है गर्दन की लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर और ये व्यास पूरा दे रखा है कितना? 2 सेंटीमीटर। अब जबकि गोलाकार भाग का व्यास है 8.5 सेंटीमीटर, मींस यहां से और यहां तक इसका जो व्यास है वो हमें दे रखा है 8.5 सेंटीमीटर। अब इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह मालूम किया कि इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है। जांच कीजिए कि इस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है। अब पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14। तो सबसे पहले जो बेलन है, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, इसे हम एच मानते हैं, दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर। व्यास कितना दे रखा है? डी से रिप्रेजेंट करते हैं 2 सेंटीमीटर। तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी? इसकी आधी होती है, आर इज इक्वल टू होता है डी अपॉन 2। तो आर कितना आ जाएगा? डी है कितना? 2/2। तो आर की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाएगी? 1 सेंटीमीटर। और जो गोलाकार भाग है, गोलाकार भाग, इसका व्यास दे रखा है, व्यास डी कितना दे रखा है? 8.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या आर बराबर होता है डी अपॉन 2। तो R बराबर डी कितना है? 8.5/2, इतना सेंटीमीटर। अब क्या करना है? इस पूरे बर्तन में जितना भी पानी आ रहा है उसका आयतन निकालना है। तो पानी का आयतन या बर्तन में पानी का आयतन कितना हो जाएगा? जितना इस गोले का आयतन है, मींस गोलाकार भाग का आयतन, गोलाकार भाग का आयतन प्लस जो बेलनाकार भाग है उसका आयतन, प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, दोनों के आयतनों का हमें योगफल कर लेना है। तो जो भी वैल्यू मिलेगी वो टोटल बर्तन में आने वाले पानी के आयतन के बराबर होगी। तो गोलाकार भाग का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर की घात 3। अब इसमें क्या करना है? इधर जो आर लिया है हमने वो स्मॉल आर लिया है, इधर हम मान लेते हैं ये कैपिटल आर है। तब इसमें कैपिटल आर, अलग अलग दिखाने के लिए कैपिटल आर मान लिया। बेलनाकार भाग, इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये छोटा है इसलिए हमने आर स्मॉल मान लिया है।
तो 4/3 पाई ऐसा का ऐसा ही आर, आर कितना दे रखा है 8.5/2, क्योंकि ये तीन बार है तो तीन बार लिख लेंगे इसे घन को, प्लस पाई ऐसा का ऐसा ही आर, इसमें कितना है 1, तो 1 को 2 बार स्क्वायर है, और एच कितना है 8 है, तो 8 पाई बाहर निकाल लिया, पाई बाहर तो यहां से बचा 4/3 × 8/5/2 × 8/5/2 × 8.5/2 प्लस का इधर बचा 1 × 1 = 8। अब क्या करना है, 2 × 2 = 4, ये तो कैंसिल हो गए, इधर ये कैंसिल आउट होगा नहीं, तो इनकी करा लेते हैं गुणा, पाई इसकी गुणा कराएंगे तो ये मिल जाएगा 72.25 और 8.5/3 × 6 प्लस का 8 इतना, तो पाई का मान कितना दे रखा है 3.14, यहीं पर रख लेते हैं, इधर एलसीएम ले लिया 6, इनकी गुणा करा लेते हैं अलग 72.25 की गुणा करानी है किससे, 8.5 से, तो कितना मिल जाएगा 5×5 = 25 का 5 हासिल 2, 5×2 = 10 और 2×12 हासिल का 1, 5×2 = 10 और 1 हासिल का 11, फिर से हासिल का 1, 5×7 = 35 और 1 = 36, इधर 8×5 = 40, 8×2 = 16, 4×20 हासिल का 2, 8×2 = 16 और 2×18 हासिल का 1, 8×7 = 56 और 1 हासिल का 57, तो ये 5, 2, 1, 8, 6 हो गए 14, 3, 7, 10 और 1 हासिल का 11 है और 5 और 1 हासिल का 6, 3 के बाद दशमलव, तो ये मिल गया 614.125, 614.125 और प्लस का 8 इधर अपॉन में कर लिया ये, तो इसकी गुणा हो जाएगी 6×6, तो ये गुणा हो जाएगी 6×8 = 48, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 48, इनको जोड़ लेते हैं 3.14 ऐसा का ऐसा ही, इनको जोड़ेंगे तो ये 0.125 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 8 × 4 = 12 के 2 हासिल लगा 1, 4 × 1 = 5 और 1 × 5 = 6 और ये 6 ऐसे के ऐसे ही, बटे में कितना 6×6, तो इनकी हम लोग कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2079.0725 अपॉन में 6 ऐसा का ऐसा ही, 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 346.512 और ये घन सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब कहा है कि जो बच्चा था उसने उत्तर दिया था इस बर्तन का आयतन 345 घन सेंटीमीटर है, जबकि है कितना 346.5, तो उसका आंसर कैसा है, थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, तो हम कह सकते हैं यहां पर उत्तर ठीक नहीं है, तो क्या रहेगा, बच्चे का उत्तर सही नहीं है, सही आयतन 346.51 घन सेंटीमीटर है, आंसर।